बताना चाहता हूँ कि मेरे जब भी मैं डिवीजन में आता हूँ मेरे दो उद्देश्य होते हैं। एक तो उस डिवीजन में जो सुरक्षा और सुरक्षा के जो मापदंड हैं उसके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और सेफ्टी इज ऑलवेज द टॉप प्रायोरिटी फॉर मी। दूसरा उद्देश्य मेरा ये होता है कि जो हमारी पैसेंजर सुविधाएँ हैं, पेशेंट्स में जो सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं उसका भी मैं मुआयना करता हूँ, जिससे कि वो अपने अपने हमारे यात्रियों के लिए सुविधा जो दी गई है वो चाक प्रबंध रहे। आज सुबह जब मैं आया हूँ तो ये नया हमारा डिरेक्शन यान है, फरक नाम इसको दिया गया है, और इससे सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि DRM और उसके जो ऑफिसर्स हैं वो कभी भी किसी भी सेक्शन में औचक निरीक्षण भी करने के लिए जा सकते हैं। अभी तो ये होता था कि उनको किसी बेंच से जाना पड़ता है या हाई रोड जाना पड़ता है, लेकिन इसके आने से आप जानते हैं कि हमारी जो मेन लाइन है बॉम्बे से दिल्ली, उसकी गति अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। इसमें हमें निरीक्षण करने की भी जो और अधिक संभावनाएं हैं उसको देखते हुए ये इसको एक मुहैया कराया गया है। मुझे विश्वास है कि इसके आने से जो निरीक्षण में और सेफ्टी के लिए जो हमारे मापदंड हैं उसको परखने में और इसको सुविधा मिलेगी। सर, 160 के लिए जो प्रयास चल रहा है दिल्ली टू मुंबई के लिए, वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो कितनी तैयारी हो गई है? ऐसा है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय रेल ने दो कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा, इसमें 160 KMPH के वर्क सेंक्शन किए हैं। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे की, तो वेस्टर्न रेलवे का सेक्शन शुरू होता है बॉम्बे से अप टू नागदा और बड़ौदा से अहमदाबाद। इसमें हमारे जो हमारे अभी सेंक्शन हुआ, अभी लास्ट से हुआ है, जुलाई में सेंक्शन हुआ है, उसमें अभी प्रक्रिया चल रही है, जितने भी काम चल रहे हैं सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, सिग्नलिंग के, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेस करने हैं उनमें जो काम डिपार्टमेंट का वो काम शुरू हो चुके हैं, और इसका लक्ष्य जो है बहुत टाइट लक्ष्य दिया गया है, मार्च 24 तक हमें इस रूट पर गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रेनों की करनी है।